Hello student, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 13 amines, and in this video I will discuss here NCERT exercise question number 13.6. Now you see the question number 13.6. Describe a method for the identification of primary, secondary and tertiary amines. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यदि मान लो कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस आपको गिवन है, मीन्स आपको टेस्ट ट्यूब यहाँ पर दिया हुआ है, तीन टेस्ट ट्यूब आपको रखा हुआ है, ए बी और सी, और ये तीनों में क्या है, एमाइन है, एमाइन यहाँ भी एमाइन है और ये भी एमाइन है, तीनों में एमाइन है, लेकिन ये अननोन है कि इसमें डिग्री क्या है, क्या ए जो है 1 डिग्री कंसिस्ट कर रहा है, बी जो है सो 2 डिग्री है, सी क्या 3 डिग्री है, या फिर ए क्या है 2 डिग्री है या 3 डिग्री है या 1 डिग्री है, ये पता नहीं है। तो आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो गिवन कंपाउंड है, जो एमाइंस है, वो आपका क्या है, प्राइमरी एमाइंस है या सेकेंडरी एमाइंस है या फिर टर्शरी एमाइंस आपको गिवन है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट केमिकल टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यदि डिस्टिंग्विश करना हो तो प्राइमरी एमाइंस को दूसरे एमाइंस से यदि डिस्टिंग्विश करना है, इसमें से कौन सा प्राइमरी एमाइंस है, ये तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किससे, कार्बाइल एमाइन टेस्ट से। कार्बाइल एमाइन टेस्ट जो होता है वो क्या करता है कि प्राइमरी एमाइंस को डिस्टिंग्विश करके निकाल लेता है कि कौन सा प्राइमरी एमाइंस है और कौन प्राइमरी एमाइंस नहीं है, क्योंकि इसमें से जो कार्बाइल एमाइन टेस्ट दे देगा वो प्राइमरी एमाइंस होगा और जो नहीं देगा वो क्या होगा, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस होगा। लेकिन कार्बाइल एमाइंस ये नहीं बता पाता है कि इसमें से सेकेंडरी एमाइंस कौन है या टर्शरी एमाइंस कौन से, सिर्फ वो ये बता सकता है कि इस तीनों में से अननोन और एमाइंस में से प्राइमरी एमाइंस कौन है, इसको डिस्टिंग्विश करके वो निकाल देगा। तो यहाँ पर कार्बाइल एमाइन टेस्ट से हम तीनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरा रिएजेंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, हम यहाँ पर करने जा रहे हैं हिंसबर्ग टेस्ट कर रहे हैं। तो हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हमको क्या चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट चाहिए, हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, इस हिंसबर्ग रिएजेंट को हम बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्या कहते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्लोराइड भी कहते हैं। अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता क्या है, यदि हम इसको देखें तो ये हो जाता है आपका एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, बेंजीन जुड़ा हुआ है और इस बेंजीन से सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन और ये क्लोरीन, इसी को हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसी का दूसरा नाम क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसकी देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट आपको कैसे डिस्टिंग्विश करके बता देता है कि इसमें से कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन इसमें से टर्शरी है, ये कैसे पता लगाएगा। तो कहता है क्या कि यदि प्राइमरी एमाइंस हो, क्या हो, प्राइमरी एमाइंस जिसको हम 1 डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री एमाइंस, 1 डिग्री एमाइंस जैसे कि RnH2, ये 1 डिग्री एमाइंस हो गए। 1 डिग्री एमाइंस जो होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या देता है आपको, तो 1 डिग्री एमाइन के साथ वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो PPT बनेगा, वो सोल्यूबल इन अल्कली होगा। मीन्स आपको सबसे पहले क्या करना है कि यदि प्राइमरी एमाइंस का डिस्टिंग्विश करना है, प्राइमरी एमाइंस को निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एमाइंस में हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी एमाइंस होगा RnH2, हम ये डाल के देखेंगे उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट हमारा जो होता है वो है बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड है,
तो यहाँ क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी एमाइन का जो एच है उस और इसका एक सीएल बाहर निकल जाता है, और ये प्रोडक्ट क्या देता है, यदि आप इसमें देखोगे तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, एस डबल बॉन्ड ओ ओ, इसका सीएल और इसका एच तो निकल गया है। अब यहाँ से एन जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, एक एच रहेगा और ये आर टू आर हो जाएगा, सॉरी आर टू नहीं आर हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं एन एल्काइल, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन माइड कहेंगे। इसको हम एक दूसरी केमिकल रिएक्शन एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल कैसे है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे यदि हम सपोज करो कि हमने एक कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर एक तो हमारे पास क्या है, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड है, हिंसवर्ग है हमारा, ये है एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सी एल, और इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, तो प्राइमरी एमाइंस, प्राइमरी एमाइंस होता है एच एन एच, और इसके साथ क्या जुड़ा होता है, कोई भी आर ग्रुप मतलब कार्बन जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये एच सी एल बाहर हो जाएगा, एच सी एल बाहर हो गया, अब ये क्या दे देगा आपको, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एन एच और यहाँ पर क्या आ गया, तो सी एच थ्री। इसका हम क्या नेमिंग करेंगे, तो इसका नेमिंग हो जाएगा एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड क्या होगा, सोल्युबल इन अल्कली होगा, इन अल्कली, ये सोल्युबल इन अल्कली। अब हम देखते हैं टू डिग्री मतलब सेकेंडरी एमाइंस के साथ, डिग्री एमाइन के साथ क्या होगा, सेकेंडरी एमाइंस में टू डिग्री एमाइंस, टू डिग्री एमाइंस यदि हम लेते हैं और यहाँ पर बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन यदि हम करा देते हैं इसमें, जैसे हमने एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सी एल लिया, और टू डिग्री एमाइंस, टू डिग्री एमाइंस क्या होता है, आर टू एन एच होता है, तो इसको हम लिख देते हैं एच यहाँ एन, और इस एन से क्या है, यहाँ पर दो आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ भी हो सकता है, इस तरह से क्या हो जाएगा, एच सी एल बाहर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से क्या आ गया, एन आ गया आर और आर हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, ये कंपाउंड क्या होगा हमारा, तो एन कोमा एन डाई एल्काइल, क्या लिखेंगे, एन कोमा एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड कहेंगे, जो क्या होगा, सोल्युबल इन इनसोल्युबल इन अल्कली होगा। यदि ऐसे कंपाउंड को में यदि हम अल्कली डालते हैं या अल्कली में इसको डालते हैं तो क्या होगा, इनसोल्युबल इन इन अल्कली हो जाएगा, ये इनसोल्युबल इन अल्कली हो गया, ये आपका अल्कली में सोल्युबल नहीं होगा। तो इस तरह से हम प्राइमरी सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश कर लिए, हमने क्या किया, जो अननोन एमाइंस है उसमें हमने क्या किया, हिंसवर्ग रिएजेंट को डाल दिया, हिंसवर्ग रिएजेंट क्या किया, दोनों में रिएक्शन देके पीपीटी बनाया। तो जो प्राइमरी होगा उसमें जैसे हम उसको बेस डालेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और यदि ये सेकेंडरी है तो इसका जो पीपीटी बनेगा वो आपका डिजॉल्व नहीं होगा, वो डिजॉल्व भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं टर्शरी एमाइंस, टर्शरी एमाइंस आप जानते हो, टर्शरी एमाइंस,
टर्सरी एमाइंस जिसको हम 3 डिग्री एमाइंस कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है R3N। अब यहाँ पर क्या है कि जो टर्सरी एमाइंस है उसके पास कोई भी रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं जो वो हिंसबर्ग रिएजेंट से क्या करे, रिएक्ट करे, तो वो क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा। जब ये रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब मीन्स जो ये इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो टर्सरी एमाइन के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। मीन्स बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड को यदि हम ले लें, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग को यदि हम लें रिएजेंट को, और इसमें क्या डाल दें, 3 डिग्री एमाइन को यदि हम डाल दें, तो ये क्या होगा, नो रिएक्शन, मतलब मीन्स नो पीपीटी, कोई भी रिएक्शन ही आपको नहीं देगा। इससे आप इससे आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वो आपका क्या है, टर्सरी एमाइंस है। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को तीनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके हेल्प से, तो हिंसबर्ग रिएजेंट और हिंसबर्ग टेस्ट से। प्राइमरी एमाइंस में पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, जो पीपीटी क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा किसमें, अल्कलाइन सॉल्यूशन में। सेकेंडरी एमाइंस जो होगा वो भी आपको रिएक्शन देगा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, लेकिन वो क्या होगा, इनसॉल्युबल इन अल्कली होगा। यदि आप उसको अल्कली में डालते हो फिर भी वो पीपीटी आपका क्या होगा, रिमेन होगा। और 3 डिग्री यदि एमाइंस है और उसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट को डाल दें, तो उसके साथ वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये टर्सरी एमाइंस है। तो ये डिस्टिंग्विश करने का आपका तरीका है, जो केमिकली आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इस तरह से हम उसको तीनों को सेपरेट कर सकते हैं केमिकली, हम इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू या केमिकल टेस्ट लैब में हम ले जाके इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो गिवन एमाइंस है वो प्राइमरी एमाइंस है या सेकेंडरी एमाइंस है, या फिर हमारे पास जो गिवन है वो टर्सरी एमाइंस है। तो इस तरह से हम उसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। थैंक यू।